वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम साहब, मैं चारमीनार बस स्टैंड से हशमत बात कर रहा हूँ। अकबर साहब, साहब ये चारमीनार बस स्टैंड का 3-3.5 साल से पेंडिंग है सब इशू। ये बस स्टैंड यहाँ से तोड़ दे के हटा दिए, पूरी फेंसिंग करा दिए, इसमें पूरा आधा गार्बेज हो गया सर, पूरा मोबाइल मार्केट फेल हो गया सर, पूरा कारोबार पीछे, पूरा बस स्टैंड जो है मल्टी लेवल पार्किंग बनाते बोल के 3.5 साल से लगा देंगे सर, पूरा वो कोने से ये कोने तक सर, पूरे मुस्लिम पूरे कारोबार दुकाना खाली होने पे आ गए। 2 महीने पहले जो खुबा मोबाइल जो है 20 लाख रुपए लॉस हुआ बोल के 2 महीने पहले इनॉग्रेशन करके खाली कर दिए। एक एक दुकान में मैं दिखवाता हूँ भाई। जी सर, मैं दिखवाता हूँ इंशाल्लाह, प्लीज क्या हो सकता। बहुत बहुत करवाने लगा हो जा रही साहब, लोग जो है बहुत हालात मुतासिर हो गए। एक तो लॉकडाउन था, फिर अब जो है हालात इतने खराब हो गए। और चौमिल्ला पैलेस की रोमान होटल के पास वहाँ पार्किंग है साहब, वहाँ से लाके पूरे इधर लगा दे रहे। वहाँ उतनी बड़ी प्लेस है, वो प्लेस को वैसी रख दिए, वहाँ की पार्किंग को या के लगाया और पूरे बसेस सब सामने से जा रहे रोड पे, पूरी रोड पे डिस्टर्ब हो जा रही, वो जगह पूरी यूटिलाइज हो रही ने साहब। आधा बस स्टैंड पूरा गार्बेज बन गया, आप किसी को भिजा के देखने लगाई है। अभी साहब को एमएलए साहब को मुमताज खान से ऑलरेडी मेरी जो है 23 मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, बोल रहा हूँ ना, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। बोला तो जैसे मैनहैंडलिंग हो गई थी। अरे मेरी बात को सुनो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मसला क्या है बयान कर दिए ना आप मुझे। इंशाल्लाह क्या हो सकता है, मैं जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ करवा दिए। तीनों को रिमूव करा दिए तो बस है साहब, मैं दिखवाता हूँ क्या है, मैं दिखवाता हूँ।